सेकंड जल्दी है ऐसे बेटे, जिस तरह हम पहले ग्रुप हमने 1A को पढ़ा, 2A को पढ़ा, 4A को पढ़ा, yes. अब हम ग्रुप 7A को पढ़ रहे हैं, yes. तो इसमें बेटे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसओडी. ये बेटे हमारे पास 5 इसमें एलिमेंट्स हैं. तो इसमें एस्ट्राडियन को हमारे को डिस्कस नहीं नहीं कर रही है, ये चार डिस्कस कर रही है, ठीक है. तो अब बेटे ये इनके पीरियड लिखे हुए हैं. फ्लोरीन का पीरियड कौन सा? सेकंड. क्लोरीन का? थर्ड. ब्रोमीन का? फोर्थ. आयोडीन का? फाइव. तो पीरियड का क्या मतलब है? पीरियड क्या जाहिर करता है? पीरियड सर जी, पीरियड जाहिर करता है कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं. ऑर्बिट जैसा है. अब फ्लोरीन के दो पीरियड हैं तो इसका क्या मतलब है? इसमें ऑर्बिट दो है. यस सर. क्लोरीन के 3 पीरियड है तो इसके कितने बेटे ऑर्बिट्स हैं? 3 सर. 3. इसके बाद ब्रोमीन का बेटे 4 है तो इसके ऑर्बिट्स कितने हैं? 4. और इसके 5 हैं. हाँ, इसके 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब आपको बेटे नजर आ रहा है कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है, यस सर, वो नीचे जाते हुए बढ़ता जा रहा है. रेडियस होता है बेटे ये सेंटर से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक के डिस्टेंस जो बढ़ते हैं, ये डिस्टेंस है ना बेटे, इसे कहते हैं रेडियस. रेडियस तो नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहा है. तो ये ट्रेंड है बेटे. ट्रेंड का क्या मतलब होता है? ट्रेंड है कि कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. तो एटॉमिक रेडियस नीचे आते हुए ट्रेंड इंक्रीज हो रहे हैं. अब इसके जो बेटे वैल्यूज हैं एटॉमिक रेडियाई की, वो भी आप जरा मुझे ये नोट करा दें. ये असल में कोवेलेंट रेडियस गिवन है. कोवेलेंट रेडियस का भी कांसेप्ट आपको याद होगा कि हमने जब पीरियड 3 एलिमेंट्स पढ़े थे तो मैंने आपको डिटेल के साथ यस सर ये समझाए थे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होते हैं, आयनिक रेडियस क्या होते हैं, यस सर, और दूसरे जो रेडियस के टाइप्स हैं मैंने आपको समझाए थे. तो कोवेलेंट रेडियस बेटे ऐसा रेडियस होता है कि जिस तरह अगर फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस निकालना है, yes, तो sir. ये दो बेटे जो कोवेलेंट फ्लोरीन के एटम्स हैं, yes. वो जो आपस में बेटे जो बॉन्ड बनाया होता है, यस सर, तो इनका बेटे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ना इनके न्यूक्लियस के दरमियान, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ जाता है. यस, इन दोनों के न्यूक्लियस के टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करें तो कोवेलेंट रेडियस आ जाता है. अब फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस बेटे क्या है? 71. और इसके बाद में क्लोरीन का क्या है? 99. इसके बाद ब्रोमीन का 114. अच्छा आप ये देखिए वैल्यू से भी नजर आ रहा है, यस सर, नीचे आते हुए इनके रेडियस बढ़ता जा रहा है. इसके बाद बेटे ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. यस सर. ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? ग्रुप 7 एलिमेंट्स की डिक्रीज ग्रेजुएटली फ्रॉम फ्लोरीन इन आयोडीन. अच्छा बेटे इसके लिए आप एग्जांपल देखें कि आपके पास बेटे
ये एक है HCl का एक मॉलिक्यूल है। यस सर। तो इनके दरमियान जो है बेटे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर जो है ना बॉन्ड पेयर उन्होंने शेयर किया हुआ है दूसरे के साथ। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, एक इसने दिया हुआ है। यस सर। यानी ऐसी सूरत हाल है, ये दो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान पाए जाते हैं, ये बॉन्ड बना हुआ है। यस। अब हर एटम में उसकी कोशिश होती है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। यस सर। खींचे। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती खींचने की, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने करीब कर लेता है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं। तो यही बेटे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है एटमों की, उसको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। यस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ। यस। इसकी डेफिनेशन ठीक। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पे इनकी क्या है, फ्लोरीन की कितनी सबसे ज़्यादा होती है? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पे कितनी होती है? 4.2। हाँ 4। और आप ये भी हैरान होंगे सुन के कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। यस फ्लोरीन। हाँ, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, किसी और एलिमेंट की इतनी नहीं। उसके बाद में क्लोरीन की है 3.0। और 2.8। और आयोडीन 2.5। अच्छा, ये ट्रेंड बेटे नजर आ रहा है कि जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो काम होता है। काम होता है। यस। बस यही बेटे ट्रेंड है इसके अंदर। यस। अच्छा, इसके बाद है बेटे आपका कंसेप्ट ट्रेंड एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सर, आप इधर से यकम को छुट्टी कर के इस्लामाबाद ही जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह। फिर कब वापस आएंगे? फिर बेटे छुट्टियों के बाद मार्च या अप्रैल में, स्कूल है अप्रैल में बुलाएंगे, अप्रैल में आ जाएंगे, मार्च में बुलाएंगे, मार्च में आ जाएंगे। आपके साथ हम तो अभी नहीं होंगे, बस ये थोड़ी सी देर। हाँ, फिर इंशाल्लाह जी। तो अब स्कूल बेटे जब ओपन करेंगे उस वक्त? फिर 15 मार्च। हाँ, 15 को कहें या हो सकता है या तो मैं अप्रैल से कहें आप शुरू करें, जिस तरह अभी इन्होंने मुझे पहले महीना पहले फ़र्क कर दिया। हाँ। तो इसी तरह हो सकता है छुट्टियों के बाद भी कहें कि आप अप्रैल से स्टार्ट करें। अच्छा। तो मैं फिर उसमें आ जाऊँगा। सर, ये मेरे आगे है ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी माइनस आना था। अच्छा, मेरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या बढ़ा था? माइनस चीज का साझी है, माइनस में जाना, माइनस में जाना। अफिनिटी का मतलब क्या है? सिर्फ अफिनिटी का बताएं। सिर्फ अफिनिटी। हाँ, अफिनिटी का क्या मतलब है? अफिनिटी बेटे कहते हैं लव को। लव, किसी को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्टिव, ये अफिनिटी कितना इजी मतलब है बेटे। बर्फाना भूलेगा नहीं सारा भी कुछ। अच्छा, नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है? के साजी किसी चीज़ का चाहना, इलेक्ट्रॉन को लव करना, लव प्यार कर जाना। हाँ, उसको हासिल करने की कोशिश करना इलेक्ट्रॉन को। yes. ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यस yes. तो अब बेटे ये आपके पास क्लोरीन है, गैस है। यस सर। तो -3.28 गैसियस एटम है क्लोरीन का आपके पास। ये क्या है? गैसियस फॉर्म एटम है। और इसको कहीं एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ मिलता है। अब हमने देखना है कि क्या ये उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। ये क्या करेगी बेटे, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने अंदर जगह डालेगी। पहले ये क्या थी? एटम थी, और अब क्या बन जाएगी? अब बन जाए फाइन फाइन गैसियस फॉर्म। शायद ये बेटे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है एटम्स की, उसको ही बेटे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। और इस दौरान प्रोसेस में बेटे एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज खासतौर पे याद रखने वाली है, एनर्जी रिलीजेस। रिलीज का क्या मतलब है? एनर्जी खारिज होती है। yes, जब बेटे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है और आयन बनाता है, क्या होता है? एनर्जी
एनर्जी रिलीज होती है बेटे, एनर्जी निकलती है। जैसे यहाँ देखो 349 है क्लोरीन के गैस में, कितनी एनर्जी बेटे यहाँ निकलती है? 349। अच्छा आप बेटे ये माइनस का साइन है, आपने गौर किया इस चीज पे माइनस का साइन लगा हुआ है? यस सर। यह माइनस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये आप उससे भी काम होती जा रही है जी, काम होती जा रही है ना। नहीं इसका बेटे याद रखना, जब एनर्जी कोई रिएक्शन पर रिलीज करता है ना, यस सर, तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। यस सर। जब कोई रिएक्शन एनर्जी डिग्री रिलीज कर रिलीज करती है, तो रिलीज करने का क्या मतलब है? देना, निकालना, निकालना। जब कोई रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करता है, निकालता है, तो इसका साइन माइनस। लेकिन जब कोई एनर्जी रिएक्शन लेता है बाहर से, तो वो प्लस आ गया, वो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट है। और इसमें अब आप देख लें कि हेलोजन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट है, फ्लोरीन की कितनी है? -328। फ्लोरीन की कितनी है बेटे? सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, और उसके बाद है उसकी फ्लोरीन की, फिर है ब्रोमीन, और सबसे आखिर में उसकी। यही इनका ऑर्डर ये बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, यस सर, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन। ये ऑर्डर इनका बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिहाज से आगे है ट्रेंड एंड मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये हमने है जी। हाँ, लेकिन अब बेटे हर एक का अलग-अलग है। ये हमारे ग्रुप 7 के हैं, तो उनका बेटे ये है। अच्छा बेटे, आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का तो पता चल गया ना क्या होते हैं? यस सर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटे? मेल्टिंग पॉइंट्स है जी, मेल्टिंग जो पिघलना, हाँ, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट अंदर उछलने, उछल खास जब जो है वो चीज बॉइल करने लगे, बॉइल करने उछलनी चाहिए, जैसे पानी बॉइल किया वेपर्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाए, उसको कहते हैं बॉइलिंग। अब जो है इसका बेटे दिखाएं, हम मुझे बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या है और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। फ्लोरीन के बेटे मेल्टिंग पॉइंट क्या है? -220 जी। अच्छा, -101 ये इसी का बॉइलिंग पॉइंट जी, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट क्लोरीन का -101 जी, और इसके बाद बेटे ब्रोमीन का क्या है? -7.2 -35 +58.8 58
+184.0. अब ट्रेंड इनका देखें, सबसे ज्यादा जो है वो है फॉलोरिन का। अच्छा वो इसका 140 आयोडीन थे। और आयोडीन का सबसे ज्यादा रेट है। उसके बाद है क्लोरीन का 101 नहीं आप मुझे क्लोरीन का क्लोरीन का फिर आयोडीन का। यानी इसका मतलब है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। यस सर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इधर से नीचे से ऊपर बॉइलिंग के ऊपर। हां ये बेटा ट्रेंड है इनमें। यस, आगे है बॉन्ड एंथैल्पीज। यार सर जी इसको कोई क्या है, इसको क्या है, परसुजनिंग भी सारी है इसमें। हां जी वो छोड़ो बेटे, उन बेचारों ने जो आना है बस आना है। अभी सारी काम है, दिमाग तो है काम है। चलो फिर ठीक है बेटे, इतना काफ़ी है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। चलो ठीक है बेटे, जज़ाकअल्लाह। सर केमिस्ट्री वो का आपको देखिए।